नमस्कार, क्लास टेंथ इंग्लिश जो आरबीएससी बोर्ड पेपर 2024 है उस पूरे पेपर के इस वीडियो में आंसर शीट की बात करने वाले हैं। पूरे पेपर का सलूशन क्या होगा, लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे भविष्य में समस्त अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होगा और उस क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन थ्री गोल्स फॉर इंडियंस आर द राइट आंसर इज डी ऑल। सेकंड क्वेश्चन इज हु हैज थ्री गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया द राइट आंसर इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट है द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज द राइट आंसर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया द राइट आंसर इज इंडियंस। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन इज चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज द पावर ऑफ साइट। इसका सही अगर आपको सिमिलर वर्ड देखना है तो इसका सही आंसर होगा विजन। सिक्स्थ क्वेश्चन चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज हिंडर। इसका अपोजिट अगर वर्ड देखा जाए तो होगा कॉन्ट्रीब्यूट। अगला क्वेश्चन दिखा गया है क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पैसेज पढ़ना होगा और क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। क्वेश्चंस के आंसर की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वेयर वाज द राइटर वॉकिंग ही वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन इज इन विच फील्ड हैड द मैन ऑन द अर्थ गॉट अचीव्ड द राइट आंसर इज एस्ट्रोनॉमी अलजेब्रा म्यूजिक एंड आर्ट। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड द राइटर मीट सोहनलाल द राइट आंसर इज एट द कनॉट सर्कस। द फोर्थ क्वेश्चन इज हु सेड हुलो टू द राइटर राइट आंसर इज सोहनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है हुज फ्रेंड आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज तो सोहनलाल्स फ्रेंड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन में है हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट द यंग मैन। सेवंथ क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेटेड फॉर द राइटर सोहनलाल। एट्थ क्वेश्चन राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विशिंग विशिंग का सिमिलर वर्ड होगा ग्रीटिंग। एंड द नेक्स्ट राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज और स्टॉप का अपोजिट वर्ड अगर आपको देखना है तो राइट आंसर होगा स्टार्टेड। सेक्शन बी की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा गया है इमेजिन यू आर सुषमा और परम लिविंग इन अमृतसर योर सिस्टर इज स्कोर्ड 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर ऑन द ओकेजन। आप अपने सिस्टर को जो 95% स्कोर किया है उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो आपको इसके लिए एक लेटर लिखना होगा। वहीं इसका और ऑप्शन दिखाया गया यू आर सिद्धि और सिद्धार्थ स्टडिंग इन 10th क्लास GSSS कोटा यू कांट अफोर्ड बोर्ड फीस एज योर फादर इज सिक राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर स्कूल टू अरेंज योर बोर्ड फीस एज यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड डू नॉट वांट टू वेस्ट योर ईयर ऑफ एजुकेशन। आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जो सिद्धि या सिद्धार्थ नाम से हैं और GSS कोटा में पढ़ते हैं। आप बोर्ड एग्जाम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपके फादर बीमार हैं तो आप अपने प्रिंसिपल को बोर्ड एग्जाम फीस अरेंज करने के लिए लिखेगा जिससे कि आपका साल भी खराब ना हो और आप पढ़ भी सकें। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन 80 वर्ड्स। पहले जो दिया गया आउटलाइंस वो यूनियन इन स्ट्रेंथ। एक फार्मर है जिसके चार बेटे हैं उन चारों को अलग अलग लकड़ी तोड़ने के लिए दी जाती है उसके बाद में एक साथ उनको इकट्ठा किया जाता है और इससे एक सीख दी जाती है कि संगठन अगर एक साथ रहेंगे तो शक्ति रहेगी मजबूत रहेंगे। एंड नेक्स्ट स्टोरी इज रैबिट एंड टॉर्टोइज हेयर एंड टॉर्टोइज या रैबिट एंड टॉर्टोइज इसकी स्टोरी होगी। द फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स इन द पिक्चर गिवन बिलो सेव वाटर के ऊपर आपको 80 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना होगा। क्वेश्चन राइट ए पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन के ऊपर आपको 80 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना होगा। सी सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट इज द ट्रेन ब्लैंक्स द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर रीच आपके पास ऑप्शन है जिसके आपको सही फॉर्म में बनना है तो हैड रीच्ड आंसर होगा। द सेकेंड पार्ट इज माई मदर ऑलवेज ब्लैंक्स गॉड इन द मॉर्निंग राइट आंसर इज वर्शिप। थर्ड इज ही ब्लैंक्स एट हिज डेस्टिनेशन बाई नाउ द राइट आंसर इज विल हैव अराइव्ड। एंड द फोर्थ इज आई ब्लैंक इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर द राइट आंसर इज हैड बीन लर्निंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है और फिर इसको सही रूप में लिखना है। द क्वेश्चन इज द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर होगा टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट दे आर गुड स्टूडेंट्स। द सेकेंड पार्ट इज ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल द राइट आंसर इज ही आस्क्ड मी इफ आई रीड जो रीड वर्ब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन अरेंजमेंट विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अरेंजमेंट के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी वर्ब का सही फॉर्म लिखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गोज सही आंसर होगा सेकंड में वॉज आंसर सही होगा। वहीं नाइन्थ क्वेश्चन में लिखा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट पार्ट है डू इट
तो इसका राइट आंसर होगा लेट इट बी डन। सेकेंड इज माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाई माई मदर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपके आगे सेंटेंस दिए गए जिनके फ्रेम क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट इज गॉड एग्जामाइंस ऑल, इसका राइट आंसर होगा हु एग्जामाइंस ऑल। सेकंड, ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, इसके क्वेश्चन टैग बनाना है स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम, इसका क्वेश्चन टैग होगा डू दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी सेक्शन है, जो टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ है उसके आंसर देने होंगे। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर देना है, जिसमें सबसे पहले लिखा गया है आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज टू स्लिप आउट ऑफ हाउस लुकिंग फ्रॉम, नाउ राइट आंसर इज डोरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वली यूज्ड टू आवर्स ऑफ मदर्स नैप इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक्सर्शंस मींस भ्रमण। द फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर डिड द बस रोल ऑन, द राइट आंसर इज कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ग्लोब्ड बाय द बस, द राइट आंसर इज अनदर व्हीकल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मच डिड वली सेव फाइनली फॉर द बस राइड, 60 पैसे। और ऑप्शन में आपके पास एक पैराग्राफ है जिसके राइट आंसर्स अगर आपने किए हैं तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा गया है राइट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 words, 20 से 30 words के अंदर चार क्वेश्चन में से कोई तीन के आंसर आपको देने थे। वहीं नेक्स्ट जो बड़े क्वेश्चन है जिनमें लिखा गया राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 words, 80 words में आपको इसके आंसर देने हैं। 14th क्वेश्चन इज राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 words, ये दो क्वेश्चन दिए इनमें से कोई एक आंसर देना है आपको 40 words में। द 15th क्वेश्चन इज रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो पहले आपके पास एक्सट्रैक्ट दिया है उसका क्वेश्चन है हु, Why is Amanda refused to eat chocolate? Amanda refused to eat chocolate because she is a teenager and she has a problem of acne, which means pimple on her face. And the next question is, what is told to look in extract? When Amanda do not look at his mother when she is saying something to her, then his mother told this sentence. And the 16th question is write any two out of the following three questions in the 20 words. आपके पास तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई दो के आंसर देने हैं 20 words में देने हैं। Next question is answer the one of the following in the two questions in 80 words. बड़े क्वेश्चन होंगे जो 80 words के अंदर आपको आंसर देने होंगे। अगला क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन इन 20 words. 20 words में आपको तीन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चूज द करेक्ट आंसर, आपको 19th क्वेश्चन में करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन लिखा है Who are secret agents? The right answer is both A and B. Second question is How old was Anil? The right answer is 25 years old. Third question is And the next question is What was the name of the dog that Mrs. Pumphrey had? The right answer is Tricky. इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर्स के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।